आज भी मेरे बेटे पे एक से एक हसीन लड़की मरती है। उन पर नहीं, उनके बाप की दौलत पर। और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो पैसे के पीछे भागती हैं। तो मैंने कब कहा है कि वो मुझे पसंद था या मैं उसके पीछे मर रही हूं? गुस्सा तो मुझे अपनी इंसल्ट पे आ रहा है। मुझसे ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है कि उन लोगों को वो लड़की कैसे पसंद आ गई मेरे ऊपर। क्या औकात है उसकी? मुझसे ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है वो। तो फिर उन लोगों को वो फिजा कैसे पसंद आ गई है मामा? देखो, कुछ ना कुछ तो देखा है ना उन्होंने। इस वजह से सफदर कमाल की इकलौती बेटी को छोड़कर उसको प्रेफर किया। मैं तुम्हें बहुत बार कह चुकी हूँ कि जरा अपने बोल चाल, लोगों के साथ रवैये पे थोड़ा सा ध्यान दो। उस हादिया की तरह जरा नरमी, प्यार, मोहब्बत, खुश अखलाकी से लोगों से बात किया करो। दुनिया दिखावे के लिए सही, लेकिन थोड़ा सा तो सुधारने की कोशिश करो ना अपने आप को। जिस तरीके से तुम्हारे डैड चाहते हैं वैसा बनने की तो कुछ तो कोशिश करो ना नताशा। देखो, सफदर कमाल की इकलौती बेटी होना तुम्हारी वाहिद खूबी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी तुम्हारी पर्सनालिटी में ग्रेस, अट्रैक्शन होनी चाहिए, ताकि वैसे भी जो है वो सर्कल में तुम्हारी वाहवा हो, और फिर देखना खुद से जो है वो रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। प्लीज मामा, मैं आपकी उस बहू की तरह ना प्रिटेंड नहीं कर सकती। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। इन रिश्तों के लिए मैं अपने आप को क्यों बदलूं? क्या जरूरत है मुझे अपने आप को बदलने की? और आपको क्या लग रहा है उन लोगों ने उस फिजा को ये सारी चीजों की वजह से पसंद किया है? नॉट एट ऑल। आपके बेटे की तरह उनका बेटा भी बिगड़ा हुआ होगा, जिसकी वजह से उन लोगों को चाहिए होगी कोई मासूम गरीब लड़की जिसको वो दबा सके। नहीं, निसार इस किस्म का अय्याश और बिगड़ा हुआ लड़का कहीं से भी नहीं है। पूरे सर्कल में उसकी शराफत और काबिलियत की वाहवा है। इस वजह से तो हम भी चाहते थे ना कि वो हमारा दामाद बन जाए। लेकिन अब उन अलीम साहब की किस्मत, उनकी तो लॉटरी निकल आई है। दिल में लड्डू फूट रहे उनकी खुशी के मारे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हम खुश हैं और ना फखर महसूस कर रहे हैं। शादी ब्याह तो किस्मतों के खेल होते हैं। हमारे अबू ने कभी हमें महलों में ब्याहने की ख्वाहिश नहीं की। उन्होंने हमेशा शराफत को दौलत पर तरजीह दी है। ओह रियली? इसी वजह से तुम्हारे बाप ने अपनी काबिल और लायक लड़की को एक अमीर और बिगड़े हुए लड़के से ब्याह दिया? बिगड़ा है तो क्या हुआ मामा? एक अमीर बाप का इकलौता बेटा है। It's not a bad deal, right, भाभी? गलत फहमी है आप लोगों की। ये शादी मेरे अब्बू की ख्वाहिश पर नहीं, बल्कि सफदर अंकल के जोर और इसरार पर हुई थी। और फैजान की असलियत हमसे शादी से पहले छुपाई गई थी। अगर मेरे माँ बाप को जरा भी उनकी बुरी आदतों का इल्म होता तो वो कभी भी मुझे यहाँ ना ब्याहते। फैजान बिगड़ा हुआ सही, तुमसे तो लाख दर्जा बेहतर है। अगर तुम्हारी शादी फैजान से ना हुई होती ना, तुम्हारे अब्बा की तरह ना किसी स्कूल मास्टर के घर में बैठी होती। अमीर लड़कों को खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है। आज भी मेरे बेटे पे एक से एक हसीन लड़की मरती है। उन पर नहीं, उनके बाप की दौलत पर। और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो पैसे के पीछे भागती हैं। लेकिन मैं फैजान को फिर भी सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। इसलिए नहीं कि मैं उनकी बीवी हूं और मुझ पर फर्ज है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सफदर अंकल के बेटे हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं, उन्हें बाप का दर्जा देती हूं। और मैंने अपने अबू से वादा किया था कि मैं सफदर अंकल को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी। सिर्फ उसी वादे का पास रखने के लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ इस घर। और आप लोग फिक्र मत करें, मेरे अबू कभी भी ऐसी जगह अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे
जहां रिश्ता कायम करने से उनके दोस्त को तकलीफ पहुंचे। अब तुम गुस्सा छोड़ो और खाना खा लो, कल से कुछ नहीं खाया।